फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ। ठंड कैसी पड़ रही है? ठीक लग रही है। चूखा हो गया हमें, मेरे सिर में दर्द हो रहा है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भी मेरी दिल की धड़कनों क्या हालचाल है आप सभी के, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग की हमने शुरुआत कर दी है। जो टाइम हो रहा है 9:10 हो रहे हैं, 58 सेकेंड 59 सेकेंड और पूरे 11 मिनट हो चुके हैं। तो अभी का जो सीन है, मैंने वैसे तो अपना नाश्ता वस्त वगैरह कर लिया है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही, बाहर कोहरा भी आया हुआ, इसीलिए मैं बाहर देखो किस मतलब पूरा फुल्ली तैयार होकर जा रहा हूँ। और अभी का जो है सीन वो ऐसा कि मुझे जो है रील्स वगैरह बनानी है। मैंने मोइन को फ़ोन किया है, वो बोला कि चलो चलने हैं आज, थोड़ी रील्स वगैरह बना लेंगे। तो क्योंकि उनकी वीडियो की कोई शूटिंग वगैरह नहीं है आज, तो थोड़ा ऐसा ही है बस, रील्स वगैरह की उनके भी, तो हम भी बना लेंगे। मैंने भी कुछ अपने ट्रेंडिंग में चल रही हैं वो मैंने सेव कर रख रखी हैं अपनी, उन्हीं टॉपिक पर हम बनाने वाले हैं रील्स। तो चले फिर चलते हैं गाइस। तो यही तो है वो गाइस। तो मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर, शायद आपको यार पता नहीं क्या बात है, मेरे फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम। जो कोहरा जो ना अभी अभी हाल ही में आ रहा है हल्का हल्का होके, और लोग बार देखो लिहाफ ओढ़ ओढ़ आ रहे हैं घरों से निकल के। और जैसे कि मैं तुम्हें दिखा दूँ, लेकिन हाथ में से मोबाइल नहीं हटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इधर की साइड में बहुत ज़्यादा कोहरा, और जी मैं आपको दिखा दूँ इस साइड में भी बहुत ज़्यादा कोहरा, सब में कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और ये हमारे बारिश भाई उर्फ कपड़े वाले, तो ये बढ़िया है यार। देखो मेरे हैं का कंबल लिया हुआ है इन पे जो है, और बहुत अच्छी गर्माई आ रही होगी इसमें, सही बताना ईमानदारी से आ रही है ना। हाँ थैंक्स। और ये डॉक्टर गुलेशन बाई टी किधर जा रहे हो भाई? अच्छे बीमार। अब पड़े रहो अंदर, पड़े रहो, जवान नहीं है तुम अब हमारी तरह। हाँ तुम तो बुढ़ापा आ गया तुम लोगों पे। हाँ जाके लिया में पड़ जाओ, इनसे पूछते हो कुछ ठंड के बारे में। भाई साहब ठंड पड़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उसको कह दो यार। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ। ठंड कैसी पड़ रही है? ठीक लग रही है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। निकलना नहीं चाहिए ना? मैं क्यों ना निकलना चाहिए यार। मैं निकलूंगा तो खाऊंगा। ये सही बात, बिल्कुल बढ़िया बात। गाइस यहाँ पर हमें मिल चुके हमारे यहाँ के बुजुर्ग, हमारे दादा, तो इनसे पूछते हैं कुछ ठंड के बारे में। तो ठंड के बारे में कुछ बता दो, कैसी पड़ रही है, मतलब सही है ऐसे बता दो। कुछ नहीं कह दो, हाँ पड़ रही है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, काफी ज्यादा ठंड आ रही है ना। ऐसी ठंड में बाहर को निकलना भी ना चाहिए पब्लिक को। तो यहाँ पर ये मेडिकल वाले हैं, इनसे और पूछते हैं हम कैसी ठंड पड़ रही है यहाँ पर। जी सर कुछ बता सकते हैं ठंड के बारे में? कुछ जरा जोर से बोल दो हमारे कभी व्यूअर्स। जुखाम हो गया हमें मेडिकल में बैठे जब भी। अच्छा तो कुछ अपने अपने लिए कुछ टैबलेट वगैरह कुछ नहीं लिया? ले ली। अब फिर कुछ बेहतर है? अभी नहीं बेहतर, इसका मतलब रजाई में ही जाना चाहिए हर किसी को इस टाइम। तो काम शाम छोड़कर सब रजाई में चले हमें तो। हाँ जी सर आप दोनों बता दीजिए ठंड के बारे में। ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही है यार। अच्छा तो तुमने अपना कंबल क्यों नहीं ओढ़ रखा फिर? हमें जाड़ा नहीं लगता, हमारे फागर भाई को बहुत जाड़ा लगता है। तो सद्दाम भाई ठंड के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसी पड़ रही है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है भाई। तो ठंड से हो रहा है? ठंड से हो रहा है। गाइस तो बहुत देर इंतजार करने के बाद भाई ये वो दो तीन जने आ चुके हैं जिनको मुझे बुलाना था रील्स वगैरह बनाने के लिए। तो जैसे शुएब अख्तर है, मोइन है, और तेरा नाम क्या है? आजम है। तो फिलहाल अभी का सीन है, ये तो खैर मुश्किल है वीडियो में आगा बनाता है, ये दोनों तो अक्सर बनाते रहते हैं और मैं तो खैर बनाता ही हूँ। तो मैंने वाला जो दूसरा जो कंबल था ना वो मैंने रख दिया है, अब्बू को दे दिया। ये नया बिल्कुल न्यू निकाल के लेकर आया हूँ भाई, और इसका कलर भी थोड़ा सही लग रहा था मुझको ऐसा। तो अब बाकी की जो है हम लोकेशन देखते हैं कहाँ पर अपनी रील्स वगैरह शॉर्ट वगैरह बनाएंगे, तो फिर हम अपलोड कर देंगे, वो हमारी देख लेना तुम। और इंस्टाग्राम पे आकर मुझे फॉलो कर लो यार, हैप्पी फाकिर ही है अपना इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी कोहरा, तो जैसे कि मैंने अभी लोगों का रिव्यू लिया है कोहरे का, वो तो आपने देख ही लिया है, तो बाहर आकर देख लीजिए किस तरीके का रिव्यू वगैरह, मतलब कोहरा वगैरह अभी तो पास में इतना नहीं है लेकिन कोहरा है भाई, हवा भी चल रही है साथ में। चलो तो हम यहाँ पे अपना देखते हैं कुछ, यहीं पर देखते हैं कुछ रील्स वगैरह का। फाइनली गाइस तुम आ चुके हैं अपने यहाँ पर, इसी लोकेशन पर बनाने वाले हैं भाई। ये पीछे का जो ना मैं बैकग्राउंड में लेना है पूरा का पूरा जो है, ये
एक पहाड़ लगने चाहिए, पहाड़ क्या, हम पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रील्स वगैरह बनाने की, और बाकी आप लोग अब देख लेना इंस्टाग्राम पे जाके, जैसे कि मैंने बता दिया हैप्पी फाकिर मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पर फॉलो भी कीजिए और जो हमारी वीडियो वगैरह देखिए, लाइक करिए, वहाँ पर कमेंट्स वगैरह करिए। और अक्सर वहाँ पर मैं लाइव वगैरह भी आऊँगा, अभी तो फिलहाल आया नहीं हूँ, लेकिन आ जाऊँगा और आपके जो भी अपने सवाल जवाब में मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। गाइस तो अभी का सीन ऐसा कि जैसे कि आप लोगों ने अभी देखी मेरी कुछ रील्स वगैरह मैं शूट कर रहा था, भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगी, मैंने सारे कपड़े जो अपना ये जैकेट वगैरह और जो अपना कंबल टॉप वॉप सब कुछ उतार कर जब मैंने रील्स शूट करी थी अपनी एक, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख लेना, बहुत ही प्यारी रील्स वगैरह शूट हुई है। तो अब जो है अब का सीन मैं तुम्हें दिखा दूँ, अब जो कर रहा है वो मोइन कर रहा है अपनी रील्स वगैरह जो बनाएगा वो अपनी, उसकी शूटिंग कर रहा है अभी, उनकी खैर अपनी न्यू वीडियो तो अभी शूटिंग नहीं कर रहे, वैसे उन्हें करनी है लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल वो रील्स ही कर रहे। तो अब मोइन का नंबर है, मैं बोला भाई मेरे को ठंड लग गई है तो मैं कुछ देर अपना कंबल में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं फिर मैं अपना बना लूँगा, लेकिन अब भाई कपड़े उतार के नहीं बनाने वाला हूँ मैं, कंबल उतार देंगे फिर उसके बाद तो भाई बनाने वाले वैसे ही। चलो अब इनकी रील्स वगैरह देख लेते हैं थोड़ी सी। फाइनली गाइस सारी की सारी रील्स वगैरह बन गई जो हमें बनानी थी, पूरा शूट हो चुका है कंप्लीट रील्स वाला। तो वैसे रील्स में डालूंगा और मैं अपनी शॉर्ट वीडियो पर भी डालूंगा, यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो, ज़्यादातर तो खैर नहीं डाल पाऊंगा, कुछ डालूंगा, ना तो कॉपीराइट का क्लेम वगैरह बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि उसी की अगर उसको बनाओ तो सही है, इसलिए मैं पहले बना लेता हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है इस वजह। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं ये वाला खेल खेल रहे हैं, ये ढक्कन का खेल होता है जो हमने ही बहुत खेला है, तो वो आ रहे हैं पीछे मेरे, मैं थोड़ा जल्दी से उन्हें कैसे तेज निकल आया जो तो मुझे नहीं निकल कर आना चाहिए था ऐसे उनको छोड़कर। तो और भाई ठंड बहुत लग रही है, मैंने थोड़ा कपड़े भी उतार कर अपना शूटिंग वगैरह करी है, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक दो वीडियो की है क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ठंड मुझे झेलने की आदत नहीं है ना इस वजह से। और बाकी आज जो है अपना माइक भी है मेरे पास, मेरा ट्राईपॉड भी है, मैं अपने ट्राईपॉड से ही जो है अपनी वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं कि मेरी वीडियो अब वगैरह हिल उल तो नहीं रही है, तो वहाँ पर कुछ लड़के मुझे जो है अब बुला रहे हैं, तो उन्हें भी देख कर आना भाई, कभी कुछ शूट वूट वगैरह अपना करवा रहे होंगे तो कर देंगे। और बहुत ही यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, और ये यहाँ पर इधर क्रिकेट चल रहा है जो अभी हाल ही में बैट्समैन में गेंद मार करा गए हैं, और यहाँ पर बैठे हैं ये बैट्समैन बाकी सारे के सारे। ये वाला जो बैट्समैन है ये बहुत तगड़ा वाला बैट्समैन है भाई, दिखा दे चेहरे को, देख दिखा दे, मान जा, देख मान जा, देख मान जा, अरे मान जा, देख हाँ आ जा आ जा। सो तो उनसे मिलकर आ चुका हूँ, अब बाकी अब भाई उनको बुलाते हैं मोइन को और शैब अख्तर को, अब हम चलेंगे घर पर, और बाकी का जो शूट है बाकी शाम उनको देख लेंगे, अगर कोई रील्स बनानी होगी तो वो भी अपनी छत पर करके, और बाकी अपना देखते हैं और क्या क्या करते हैं। अरे आ जाओ मोहित, हाँ अबे आ जाओ। तो उनको मैंने आवाज़ दे दिया, वो आ रहे हैं मेरे पीछे, तब तक मैं हल्का हल्का चल रहा हूँ, और अब मैं अपनी ब्लॉगिंग यहीं पे रुकता हूँ, अब जल्दी मिलते हैं घर पहुँच कर। गाइस तो मैं अभी जो दिखाना जा रहा हूँ वो दुकान है सुहेल की, और फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, वो उसका छोटा भाई है यहाँ पर। तो मैंने इनकी दुकान जो है काफ़ी बार डाल चुका हूँ वीडियो में, लेकिन ये बोलते हैं तुमने डाली नहीं है, वो वीडियो याद नहीं आती, तो आपके इनको मैं वीडियो बताने वाला हूँ। तो यहाँ से रहेगा एंट्रेंस, तो यहाँ पर जो ये एक प्यारी सी गुड़िया जो बनी हुई है, बड़ी वाली गुड़िया नहीं है, पूरी लेडीज़ हैं तो ये पहने हुए हैं, और ये है इनकी शॉप, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों का मिलेगा यहाँ पर रेडीमेड। ये रखा देखो इधर कितने प्यारे प्यारे हैं, ये देख लीजिए आप, और ये यहाँ पर पूरे के पूरी दुकान भरी पड़ी है यहाँ पर, और ये आगे इनका काउंटर। तो लेडीज़ भी मिलेगा जेंट्स में, छोटा बच्चा बड़ा या बड़े बड़ों का सबका ना, छोटे से लेकर बड़ों का सबका मिलेगा यहाँ पर पूरा का पूरा। हाँ भाई नाम बता दो, तुम्हारा नाम क्या? सादिक। तो ये सबसे छोटा है, उनसे बड़े ये वाले हैं, तुम्हारा नाम? स्वेब। और स्वेल यहाँ पर है नहीं, और तुम? अर्ष। तुम वैसे इनके क्या लगते हो भाई? फुफेरे भाई हैं तुम्हारे। तो इनकी वीडियो हो चुकी है यहाँ पर, तो ये हमारे हैं कि गांव की मार्केट में पड़ती है शॉप, तो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों में कोई कुछ भी आ सकते हो लेने के लिए, सब कुछ मिलेगा मुनासिब दामों पे। अगर ये मेरा नाम लेकर आए मेरे व्यूवर्स तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा ना? चलो ठीक है, तो आप आ सकते। तो अभी का जो टाइम हो रहा बज रहे हैं 4:30 शाम के, तो मैं आपको बता दूँ कि भाई ठंड जो है ना अभी भी पड़ रही है बहुत,
मतलब दिन वगैरह बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो मैंने यहाँ पर जो चाय वाय वगैरह बनवाई है अपने लिए, और चाय के साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं तो मैं पीने वाला हूँ। तो फटाफट में चाय पी लूँगा, फिर उसके बाद अगर चलेंगे हम बाहर को। तो ये यहाँ पर चाय हो तो ही, और यहाँ पर रखा है ये अंडा, हो गई चाय। गाइस तो अभी का जो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 8:30, 8:30 नहीं बल्कि 8:22 हो रहे हैं अभी भी, पूरे 8:30 भी नहीं हुए। तो अभी का सीन ऐसा है कि मुझे जो है, मैंने अभी तक डिनर भी नहीं किया है अपना, खाना कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे नहीं लग रही बिल्कुल भूख। मैंने अभी जो कुछ खा लिया था कुछ पहले, मतलब ऐसे ही बाहर, तो जिसकी वजह से मुझे भूख जो है लग नहीं रही है। अगर किसी टाइम लगेगी रात को तो उठ के खा लेंगे हम, ठीक है, शायद वो मैं अगले ब्लॉग में डाल। तो अभी जो है वीडियो हम यहीं पर रोक, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताते रहो यार मेरी वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे हम डेली मिलते हैं 8:15 पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।